हे हेलो एवरीवन, स्वाज का हमारा वीडियो टाइटल है गुजरात सक्सेस सीक्रेट। देखिए, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक सुपर स्टेट बनता चला जा रहा है। एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो कि बिजनेस हब बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, स्टार्टअप हब बन चुका है, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी की तरह हमारे सामने आ रहा है। गुजरात की सक्सेस को शुरू करते हैं इसके कुछ प्रॉमिसिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। गुजरात एरिया साइज में इंडिया के फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट और पॉपुलेशन वाइज नाइन्थ लार्जेस्ट स्टेट है, जिसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 6 करोड़। इस एरिया साइज के साथ और इस पॉपुलेशन के साथ इसका GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है लगभग $15 ट्रिलियन का, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 200 बिलियन डॉलर, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है किसी भी स्टेट के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन के लिए। ये तो बात हुई इनके स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की। अगर मैं ओवरऑल इंडिया का एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करूं तो इंडिया के अंदर एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ है सिर्फ 2% की, जबकि अकेले गुजरात के अंदर एग्रीकल्चरल का एवरेज ग्रोथ चलता है 13% का। उन्होंने एवरेज इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट चलती है 4% की, अकेले गुजरात के अंदर सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 1% की। ये तो बात हुई इनकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ की और इनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। गुजरात के अंदर तकरीबन 18,000 विलेजेस हैं, जिन 18 में से 18,000 विलेजेस के अंदर ही इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड से कनेक्ट किया जा चुका है। इन 18,000 विलेज में से लगभग 85% विलेजेस ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपरली कनेक्ट किया जा चुका है, ताकि जहां पर बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। ओवरऑल इंडिया की जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट का 78% प्रोपोर्शन गुजरात पूरा करके देता है। पूरी दुनिया भर के 92% डायमंड की कटिंग अकेले गुजरात के अंदर की जाती है। ये तो बात हुई इनके छोटे मोटे बिजनेस लेवल की। अगर मैं इनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात करूं तो गुजरात के अंदर 30% कॉटन बनाई जाती है, पीनट्स यहां मिल जाएगी, शुगर केन यहां मिल जाएगी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में इंडिया का नंबर वन स्टेट बनता है गुजरात, क्योंकि गुजरात के अंदर एस्टैब्लिश है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, एक ऐसा कोऑपरेटिव मूवमेंट जो मिल्क और मिल्क प्रोड्यूसर की बेनिफिट्स के लिए, फार्मर्स के लिए और मिल्क प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को शुरू किया गया था, ताकि उन्हें कम पैसे ना मिले, ताकि उन्हें सफिशिएंट पैसा मिले और वो अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से शुरू कर सके। इस कोऑपरेटिव मूवमेंट ने ऐसा पिकअप पकड़ा कि ये कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवमेंट बन गया, जिसने इंडिया में जहां पर दूध की कमी थी वहां पर इंडिया को दूध का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। इस मूवमेंट को नाम मिला था व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऐसी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका वैल्यूएशन लगभग $3 बिलियन का है, लगभग 5 लाख लोग इससे जुड़े हुए, वो भी गुजरात के अंदर है। इसका बेनिफिट ये है कि गुजरात के अंदर बिजनेसेस बढ़े, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा, गुजरात के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, इसीलिए गुजरात एक वाइब्रेंट गुजरात की तरह हमारे सामने आ रहा है। और अगर मैं आज के जमाने की बात करूं तो जो डेनिम हम पहनते हैं, उस डेनिम का 56% कंट्रीब्यूशन अकेले गुजरात से निकल कर आता है, जो कि इंडिया के लिए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है। और ये 56% पूरी दुनिया भर में थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन बनता है डेनिम के मामले में। और ये तो बात हुई गुजरात के एग्रीकल्चरल और कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की। अगर मैं गुजरात के टूर्स ट्रैवल्स के कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इंडिया के जीडीपी में 10% कंट्रीब्यूशन गुजरात का है। गुजरात के टूर्स एंड ट्रैवल्स को बढ़ाने के लिए और काफी सारे प्लान बनाए जा रहे हैं। गुजरात से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट सिटी डोलेरा बनाई जा रही है, और गुजरात को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर रखा है अमिताभ बच्चन को। वो क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन अपने गुजरात को प्रमोट करने के लिए? आपने माथा टेका सोमनाथ में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। और अमिताभ बच्चन के इसी स्टेटमेंट की वजह से गुजरात के अंदर टूर्स एंड ट्रैवल्स थोड़ा और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन नाम है एक ट्रस्ट का, लॉयल्टी का। ये बात हुई इनके टूर्स एंड ट्रैवल्स की। गुजरात अपनी इंडस्ट्रीज में भी कहीं पीछे नहीं है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी रिलायंस की गुजरात के अंदर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप बैक यार्ड गुजरात के अंदर है, वर्ल्ड चीपेस्ट कार टाटा नैनो का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप गुजरात के अंदर है, जिसकी वजह से यहाँ की इंडस्ट्रीज काफी फ्लरिशिंग हो पाती है, काफी अच्छा ध्यान रख पाते हैं। बात इनकी इंडस्ट्री की नहीं है, ये इंडस्ट्री के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, अपने कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के साथ, अपने टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ अपने एम्प्लॉयज का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स में 21st रैंकिंग पे आने वाली गुजरात इंडिया की पहली स्टेट बनती है जो कि अपने एम्प्लॉयज का भी खास ख्याल रखते हैं। लेकिन एक स्टेट इतनी इमर्जिंग स्टेट कैसे बन सकती है? एक स्टेट इतनी वाइब्रेंट स्टेट कैसे बन सकती है जो कि बिजनेस हब बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, स्टार्टअप हब बन जाए, कोस्टल एरियाज की वजह से इसे सारा बेनिफिट मिलता है। यानी कि गुजरात के इस वाइब्रेंट गुजरात की सबसे बड़ी एडवांटेज है इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखिए, गुजरात एग्जिस्ट करता है वेस्ट साइड में, जो कि पूरी तरह से कनेक्टेड है सी पोर्ट्स के साथ। यानी कि इसका कोस्टल एरिया जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर का है। इस इतने बड़े एरिया की वजह से इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है यहां पर गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सी एरिया से कनेक्टेड है, इसलिए फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, शिप ट्रांसपोर्टेशन जो कि चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो आराम से किया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट इजीली किया जा सकता है, फास्टेस्ट वे को यूज करके उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान है, फास्टेस्ट वे में करना आसान है, कोस्टल एरिया
एरिया 1600 किलोमीटर का है, इसीलिए यहाँ पर काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आना पसंद करते हैं, काफी सारे ऑपरेशन आना पसंद करते हैं, काफी सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल स्टार्टअप सब यही आना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से गुजरात देखते देखते एक इमर्जिंग फास्टेस्ट इकोनॉमी की तरह सामने आ रहा है, गुजरात एक वाइब्रेंट इकोनॉमी की तरह सामने आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर जरूर करेगा, फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।